ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी पर अब काम किया जाएगा और सच में ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए दोस्तों, अगर आप ETH इंडिया को फॉलो करते हो तो हमने ऑलरेडी आपको पहले के वीडियो में बताया है कि पुरानी पेंशन योजना क्या है और इसके क्या क्या फायदा है। गवर्नमेंट इम्प्लॉई जितने भी होते हैं यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको NPS नहीं चाहिए यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम नहीं चाहिए, उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम ही चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है ओल्ड पेंशन सिस्टम का एक अलग ही बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर हमने ETH इंडिया के इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि OPS और NPS क्या है। तो OPS वर्सेस NPS के ऊपर में हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया, इसलिए आप इसे भी जरूर चेक करें। और अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि हम स्पर्स पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र को किस तरीके से सबमिट किया जाता है वो, साथ ही साथ डिफेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूज एंड अपडेट्स होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड लाइक सेविंग, डिपॉजिट, लोन्स, फाइनेंस, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं सारी जानकारी हम आपको प्रैक्टिकली देते हैं, इसलिए आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी पर काम किया जा रहा है, तो बेसिकली इसे हम डिटेल में जानते हैं। देखिए बेसिकली क्या है ना कि ये जो ओल्ड पेंशन सिस्टम हो या फिर न्यू पेंशन सिस्टम या फिर उसे नेशनल पेंशन स्कीम आप बोल लीजिए, तो ये ओल्ड पेंशन सिस्टम वर्सेस नेशनल पेंशन सिस्टम ये हमेशा हमारे इंडिया में चलते रहते हैं। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अभी जैसे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल वायदे किए गए थे। तो बेसिकली ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और ओल्ड पेंशन सिस्टम का सच में अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया हुआ है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा लुभावना देते रहती है कि हम फिर से ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करेंगे। वैसे देखा जाए तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम सच में बेनिफिशियल है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम निकल करके आया है कि फिर से इसकी मंजूरी पर काम किया जाएगा ओल्ड पेंशन सिस्टम पे, ये आपके हिमाचल प्रदेश से ही निकल करके आया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में कुर्सी संभालते ही जो CM है लाइक सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो पूरे एक्शन मोड में है। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी पर काम किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने पहले दिन ही 11 और वायदे कर दिए हैं। एक चीज इसके साथ साथ और भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि लाइक जो हिमाचल भवन है या फिर अतिथि गृह है, सदन, इन सब में जो मंत्रियों को ठहरने के लिए जो उनको लाइक जो वहां पर उनको जो रेंट देना पड़ता है, जो उनको पे करना पड़ता है, तो मंत्रियों को बहुत कम पे करना पड़ता था, तो उस पूरे सिस्टम को ही इन्होंने खत्म कर दिया है। अब लाइक जो जनरल आम आदमी जो वहां पर पैसा जमा करता था रेंट के रूप में, जो पैसा देता था, वही रेंट अब जो मंत्री होंगे अगर वहां पर ठहरेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा। यानी कि अब सीधा सीधे कह सकते हैं कि अब मंत्रियों को मतलब किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। अब जो किराया आम आदमी लाइक 1200 रुपया पे करता था पर डे का, तो सेम उसी हिसाब से अब अगर मंत्री भी वहां पे जाएंगे तो वो आम आदमी की तरह 1200 रुपया ही पे करेंगे। और यही सिस्टम जो है ना पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में लागू होना चाहिए और सारे के सारे स्टेट में ओल्ड पेंशन सिस्टम हो, तो वो सरकारी कर्मचारी और जो भी गवर्नमेंट इम्प्लॉई है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो पहले क्या था कि हिमाचल प्रदेश के जो सदन और भवन हुआ करते थे उसमें ठहरने का जो अमाउंट था, वो जो किराया था वो 200 रुपये थे, लेकिन अब क्या है कि उसको बढ़ा करके 1200 कर दिया गया, तो अब चाहे वहां पर आम आदमी जाए या फिर कोई मंत्री जाए सबका 1200 रुपया ही लगेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो यही था कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम पे काम करना उन्होंने शुरू किया है, तो ये सच में एक बहुत अच्छी पहल है। और अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना बहुत ज्यादा दबदबा रखते हैं वोटिंग सिस्टम में, तो इसलिए पॉलिटिकल वायदे किए जाते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर के। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करना है तो इंडिया के हर एक स्टेट में लागू होना चाहिए। ये एक
तरह से सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर ये पुरानी पेंशन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक्चुअल में कब से लागू होती है और इंडिया के अदर स्टेट्स में भी ये लागू होती है या नहीं हो पाती है। सारी चीजें जो भी अपडेट्स होंगी वो तो हम आपके साथ बताएंगे। तो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं वो सारी चीजें हम आपको बताते ही रहते हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। वैसे सरकार से मेरी एक अपील और है कि जिस तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाया गया है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अलग से एक स्कीम बनाया जाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इस पे आपका क्या कहना है वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत्यकाल, कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।